चौकीदार जी सर, ये बताइए अभी तक थाने में कोई अधिकारी नहीं है, बात क्या है? आए नहीं सर अभी। कितना समय हो रहा? समय? जी हाँ। समय तो 8 बज गया है। तो क्यों अभी तक नहीं आए? देखते हैं। ठीक, मैं बैठ के इंतजार देखती हूँ। ओह माय गॉड, डाकू जागीरा, डाकू जागीरा। मैं कोई भी फाइल खोलता हूं, ये डाकू जागीरा है कितना खतरनाक। सर, डाकू जागीरा तो बहुत खतरनाक है, लेकिन हम लोग क्या करें? अब ये बताइए कि पुलिस कमजोर है कि प्रशासन कमजोर है? सर, ना पुलिस कमजोर है ना प्रशासन कमजोर है। डाकू जागीरा का तो हम लोग गिरफ्तार कर लेते हैं, ऊपर से दबाव आ जाता है तो उसे हर हाल में छोड़ना पड़ता है। चलिए, इसे आप निश्चिंत रहिए, अब हम आ गए हैं, हम किसी की नहीं सुनते हैं। ओके सर। और एक ना एक दिन वो हमारे अरेस्ट में जरूर होगा। ओके सर। मुंशीराम दयाल अभी आता ही होगा, रूम पे होगा अपने। आग लगे तन मन में पानी बरसा है, ऐसे में आ जाओ बेदर्दी मौसम के दिन आए। इडियट, टाइम फुल नॉनसेंस, ये तरीका है? नहीं साहब, मैं दस्त रहन। और वो भी गाना गाते हुए मुंह में सिगरेट। सिगरेट बड़े छोटे कुछ आदम लिया, फेंको इसको। मुझसे ना पिए। ओ माय गॉड, बड़े साहब, लगता है इससे पहले कुछ और पीते थे। हाँ साहब, कबहू कबहू मरफिया पी लीत रहा। ओ अरे, क्या जुल्म कर रहे हो? इसीलिए हमारा जो ये पुलिस महकमा है ना। हाँ साहब। ये बदनाम है। तुम जैसे चंद पुलिस वालों की वजह से अगर आप ही लोग ऐसा करोगे तो ये समाज का क्या होगा, हमारी जनता क्या करेगी? सुधर जाओ नहीं सस्पेंड कर दूंगा मैं तुमको। हम तो बहुत परेशान हो गए जब से ही थाने में आए हैं। यार इससे पहले किस थाने में थे तुम? हम नूनी कटरा में यहाँ रहन। अरे वो बाराबंकी वाला लोनी कटरा बोलते हैं उसको। हाँ, हुआ सने ट्रांसफर भवा तो हैदरगढ़ चले गए। ओ माय गॉड, हैदर हैदरगढ़ बोलते हैं उसको। हाँ, ये भी बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में है। और उसके बाद में ट्रांसफार्मर भवा। अरे वो ट्रांसफार्मर नहीं, ट्रांसफर बोलते हैं उसको। हाँ तो डकैत नगर चले गए। टिकायत नगर होगा, ये भी बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हाँ हुआ। और कहीं तुमको पोस्टिंग नहीं मिली? हुआ, हर थाने से ने भगा दिए गए, फिर ही ये आ गए। हाँ, इतने अच्छे तुम्हारे कर्म हैं। और इससे ऊंची कोई सिगरेट फेंको। अरे छोटे कुछ अदब लिहाज नहीं है तुमको? नहीं फेंक दिया साहब। अच्छा तो अब ये बताओ, रूम से आ रहे हो? हाँ साहब। काफी खुश मिजाज लगते हो। हाँ, तुम्हारे वहाँ सही बहन कहीं ना है? सही बहन? हाँ, नाली साफ कर दे तो नाली साफ की है ना है। और उनकी जो पतीली रहा है चौकी दरवा साफ की ही से है। आओ, मेरे घर की नाली तुमने साफ किया है? हाँ। और वो चौकीदार ने क्या किया है? पतीली। अच्छा, पतीली तुमने साफ किया? मैंने साफ। हर कितना मेरे घर का ख्याल रखते हैं आप लोग। साहिबान के नाली बहुत गंदी रहा है। अरे वो कीचड़ उचड़, कई महीनों से वो कीचड़ उचड़ भरा होता है ना उसमें। हाँ, कार्बन जम गया रहा है सब। चलिए बहुत अच्छा है। अच्छा तो ये जो डाकू है। हाँ। इसका अभी तक कुछ पता वतन नहीं चला। अरे साहेब, उदिन वो डाकू मिला रहा है हमका, जलजीरा। जागीरा बोलते हैं उसको। हाँ साहेब, वो मिला रहा है हमका, चाय पिए।
उस डाकू ने तुमको चाय पिलाया? बीड़ी पियाईस। ओ माय गॉड। ओके बाद सिगरेट दीस। अरे तो उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया? हम सोचें साहेब कि हम पकड़ लिया तो हमार साहेब का पकड़ी है। क्या चीज? वो है डाकू। ऐसे क्यों नहीं कहते हो? फिर क्या हुआ? फिर का 10 रुपया दीस बैठले टैक्सी में यहाँ चले आए थाने। मगर उसको अरेस्ट नहीं किया। अरे हम तुम्हारी खातिर छोड़ देन कि तुम पकड़ी हो। चलो ठीक है। और मैं आपकी ड्यूटी और गीता जी आपकी ड्यूटी दोनों एक साथ लगाता हूँ हल्का नंबर 14 पर। ना साहब, ये मुंशी पुलिया साइड में पड़ता है। ये रेखा साहब है, इनकी ड्यूटी हमरे साथ है ना लगाए साहब। अरे वो भी हमारी वर्दी गीली हो जाता है। अरे डाकू की वजह से कहीं ढीली हो जाती होगी। और ये भी एक जाबाज कांस्टेबल है, महिला है, फिर भी क्या हुआ? हाँ महिला तो है। महिला या महिला पुलिस है? महिला कांस्टेबल। हाँ, महिला 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 कांस्टेबल है। कांस्टेबल ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो? नहीं हम तो अंग्रेजी में बुआ महतारी कर रही। कितनी डिग्रियां हैं तुम्हारे पास? हम जानते हैं ना, बात कहाँ तक गिनी, बहुत ही है। अच्छे स्कूल में पढ़ाई की है मेरे को लगता है। हाँ आंगनबाड़ी में यहाँ पढ़ाए हैं। अरे वहाँ बच्चे पंजीरी खाने जाते हैं। तब आए तो हम कर। चलो सो ठीक है। और आंदा से ध्यान रखना, कोई भी डाकू किसी भी जगह मिल जाए तुम्हारा दायित्व तो बनता है, तुम्हारा फर्ज बनता है कि उसे तुरंत अरेस्ट करो। अब पकड़ ले अब कितो सारे हम खुद अपने पकड़ा दिया। तुमको कौन पकड़ेगा? अरे कोई सैगर डाकू बैठाएगी तो। इसीलिए आप नमक हराम है। अरे तुमरे सबके पास लेवावर है, दाग दे दे ठिचुम ठिचुम, हम डंडा की के खोस दी तो। अरे तो हिम्मत से काम लो, हिम्मत से। हाँ हिम्मत, जवान हो हिंदुस्तान के। हाँ तो अकेले जाए मर जाए। कितने गंदे ख्यालात है तुम्हारे। अब यूँ नहीं जानित रहे वहाँ डाकू पकड़े पर है नहीं माँ, हम भरतू न भे वही। अरे भरतू नहीं, भर्ती कहते उसको। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि आप अच्छी पोस्टिंग में आ जाइए। हाँ इमा भर्ती न होते न। हमको लगता है जिंदगी में तुम्हारी कोई ऊंची पोस्टिंग नहीं होगी, ये हमें विश्वास है। जिस हिसाब से तुम्हारे संस्कार है और जो ख्यालात है, आगे नहीं बढ़ पाओगे जिंदगी में। नहीं साहब, पहले हम दरोगा रहा। ओ माय गॉड। फिर हमारे प्रमोशन भवा। पहले दरोगा थे। हाँ? फिर प्रमोशन हुआ था। ऐसे ऐसे कारनामा कर दिखाए। कैसे कैसे? हमार प्रमोशन होएगा, फिर हवलदार होइगे। इतना तुमको गिरा दिया नीचे? नहीं नीचे। आपके अच्छे कारनामा थे इसीलिए। हाँ आपका काम नहीं अच्छा। शट अप, इधर मुंह करके क्या करते? बहुत मारे जाओगे। हम साहब जम्मू है आए नहीं। अरे तो मुंह इस तरफ क्यों करते हो? ज्यादा जमुए आएगी तो डंडा चला दूंगी, समझे? तो होंगे बच्चे। इधर देखो, इधर तुम्हारी और आग की ड्यूटी लगाता हूँ मुंशी पुलिया। मुंशी पुलिया के और थोड़ा आगे जाइए, टेढ़ी पुलिया। टेढ़ी पुलिया? टेढ़ी पुलिया बहुत टेढ़ी है। बहुत टेढ़ी नहीं है, वहीं पर आप लोगों को रात्रि में गश्त करना है। हाँ ठीक, दवा खा ले अब दस्त तो सारे हो करी है जी। और कोई भी डाकू मिल जाए तो तुरंत उसको अरेस्ट करना है। ओके ओके सर। ओके नहीं ओके। अच्छा मैं चलता हूँ, मेरे आराम करने का टाइम हो गया। जाओ साहेब भाई, तुम बड़े अधिकारी हो, जब देखो तब वापिस में यहाँ पर रहत। गीता जी का ख्याल तुमको रखना है, कहीं से कोई खूटी खराबी नहीं होने पाए। इनसे साहेब कही तो हम तुम्हारे ख्याल रखब, लेकिन ये मानते ही नहीं है। अरे ख्याल ठीक। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। जय हिंद सर। ओ माय गॉड, फोड़ दिया तभी आँख। इसको नीचे रखो। अब नीचे का साहेब, कोई वो नीचे सने खसका ले जाए। हवलदार। हाँ साहब। ये बताइए, आप बहुत अफसोस में रहते हैं? अफसोस में नहीं रहे थे साहेब, क्वार्टर के याद आ रही है।
हमरे वहाँ मुनसाइन इंतजार करत हुई है। अभी तक कोई कैश वैस नहीं आया। कैश आई है उतनी रात थोड़ी बढ़ा तब कैश हुई है। बहुत अच्छी बात सर। क्या बात है? हमें लग रहा है कोई आ रहा है, कोई मामला होगा। हाँ ठीक है आने दो। साहब नमस्कार। नमस्कार साहेब। क्या बात है साहेब? बहुत गुमसुम नजर आ रहे हैं, आखिर बात क्या है? हाँ साहब सामान अच्छा है साहब। आखिर बात क्या है, मामला तुम्हारा क्या है? मतलब हम लोग मियाँ बीवी होने वाले हैं। अच्छा क्या करना है बताइए। रिपोर्ट लिख लियो साहब। रिपोर्ट लिखानी है? हाँ सर। हवलदार? हाँ सर। लीजिए इसकी रिपोर्ट। रिपोर्ट लिखो साहब। तो ये सामान पे डकैती हुई है? डकैती नहीं हुई, आई लव यू। आई लव यू हुआ जी सर। तो ये तुम्हें कोई दूसरा थाना नहीं मिला था सर? हमारा यही हल्के में लगता है। ये थाना है, कोई खाला जी का घर नहीं, समझे? अरे साहब हम गए रहे दूसरे थाने में लिखा देती रिपोर्ट। ये थाने में रिपोर्ट लिखावे बना रहा है। तुमसे अच्छे सर ये भी है। मैं लेडीज हूँ। वहाँ हाथ न लगा बताए दे रहे ये हमरे लेटी साहेब हैं। लेटी नहीं लेडीज हूँ। हम महिला पुलिस आया। अच्छा ये महिला पुलिस है? हाँ महिला पुलिस है। महिला नहीं महिला पुलिस। अच्छा औरत हूँ साहेब? तो गलती वैरत है? वैरत है? वैरत नहीं औरत हूँ। क्या ये बताओ हाँ। रिपोर्ट किस चीज के लिखाना है सर? ये रिपोर्ट इस मामला में लिखाना है। ये हमारी धर्म पत्नी है। हाँ। अच्छी है? बढ़िया है। तो साहब रिपोर्ट मत लिखो साहब। हवलदार सर सर रिपोर्ट लिखी जाए। ये हमें लग रहा है कि तुम ही का 14 भगाग लेके आए हो। नहीं सर इनसे खुद पूछ लिया जाए। हाँ सर भगा के लाए। भगा? चौकीदार ला डंडा ला 14 या तनी नाजुल बिठेवा इका सरो तुम भगाग लेके आयो इका धीरे धीरे नहीं ला सक रहा हो। नहीं साहब 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 क्या हुआ क्या हुआ हवलदार क्या हुआ? अरे पूछताछ कर रहे दियो साहब बिचा मैया तो आका ना हमका। साहब मजे मजे लाइन है। मजे मजे लाए? हाँ साहब। तब ठीक है भगाग लाए होते हो अब माँ डरते तुम का सर हो। नहीं साहब मजे मजे लाइन। वही इधर आओ। तुम्हारा क्या नाम है? कचर दीन। हाँ कीका कचर दीन सर नाम है? नाम नाम कचर देई लिखो। अच्छा हाँ हम समझे कि कचर देई। हमका कचर देई? नहीं साहब कचर देई नाम है। कचर देई पिताजी का नाम? बंबू। बंबू? हाँ। और माँ का नाम? खटावा तंबू। कहे बे सर तुम्हारा क्या नाम है? हरदम ले। हरदम ले? हाँ सर। हरदम ले? हाँ सर। तुम्हारा बाप का नाम? बाप के नाम है साहब महादेव। महादेव। भाई का नाम? हरदेव। हरदेव। माँ का नाम? रहादेव। हाँ तो फिर रहादेव जाओ। ए लड़की ये बता हचक दे? हचक दे नहीं कचर दे। कचर दे। तुम्हारी उम्र कितनी है? 16 साल। 16 साल। बिटिया भी नाजुक है। नाजुक नहीं साहब 3 बच्चा हो गए। 16 साल। कहे अबे लौंडे बाद साहब तुम्हारी उम्र कितनी है? देख के साहब लिख दियो। देख के लिख दी? हाँ साहब। का हम है तुम का पैदा के हम बताए दे रहे मोड़ ना खराब के है? हम तो यहाँ कुछ लिख दी हुआ सरकार तो वहाँ आधार कार्ड पर यहाँ लिख जैसे लीक करी है तैसे तुम्हारी उम्र पता चल जाए। तो वही इनकी ना इनके 16 साल है। हाँ हमारा वही 80-85 साल। 80 या 85 लिख दो अंदाजन में लिखो साहब। 80-85 साल। 80 साल हैं साले। कहाँ वार रोई के यार फूहा और तुम बब्बूर के ठूहा। साहब चौकी दरवा हमारा लाठी उठाओ।
साहब रिपोर्ट निकाल साहब देख ले। कहाँ पर हाथ लगाते हो, तुम्हें समझ नहीं आती है? ए लड़की, इतना डंडे पिलाऊंगा समझ में आ जाएगा, समझ रहे हो? ए कचर दे ही। साहब गलती हो ही जात है, जैसे हमार हथवा चला के रहते तो पर तो इधर हाथ नहीं चल सका था। समझ नहीं आती है, हवादार कहे उधर है हाथ चला था इधर चल जावा कर। अब हाथ है साहब, जैसे हाथ आवा जैसे गवा। तो हम कहे थे यू हाथ इधर नहीं आ सका था। शराब ये बता तू कौन जाते रे? मैं पूछती हूँ तू कौन जाते? ए वही वही कचर दे ही। तुम ए कौन सी कास्ट हो? गोड़िया है साहब, गोड़िया। गोड़िया। हाँ अच्छा तुम्हारी कास्ट? हम जात के बेड़िया हैं साहब। गोड़िया और बेड़िया? हाँ साहब। वैसे कास्ट एक ही में मिल रही है। हाँ इनके बाप लोनिया है, हमारे बाप है बनिया। बनिया? हाँ साहब, महतारी लोनी ना साहब। अच्छा। हाँ साहब। यू चौकी दरवा सही कहा था, हम हूँ कौन अच्छे जात यार। हम कोरिया साहब। कोरी हो? नहीं कोरी नहीं, देख ले शीशा लिया दर है चौकी दरवा ढूंढो। अरे साहब मारो ना, मरवावे आए हो, मरवावे आए हो छोला हाट। चला साहब तुम ना गुस्सावा करो। नहीं तो साहब ना उधर गुस्से है इधर गुस्से है। तुम्हें शर्म नहीं आती है? लेडी तो बदबू कर रही है। महकत है का? जहाँ हाल लगाओ तो इमा जलजीरक पानी पड़ा है साहब। तो रिपोर्ट लिख गया साहब। हाँ? कोर्ट मैरिज कर दी जाए। कोर्ट मैरिज? हाँ साहब। अरे कोर्ट मैरिज तुम का करावे है तो बाराबंकी जाओ अदालत। यहाँ ना हुई? यहाँ कोर्ट मैरिज ना हुई। जैसे हम लखनऊ चले जान। हाँ? हाई कोर्ट पे आप कोर्ट मैरिज करा लिए? हाँ हाँ हाई कोर्ट पर चले जाओ और हाई कोर्ट में अपन वो क्या बोलते हो कोर्ट मैरिज करवा के आवन। हाँ? तो यहाँ कोई जगह ओगे खाली है? काहे? अरे वही हनीमून हनीमून मनाना है। चौकीदार लाठी में यहाँ तेल लगा ले तो कह लाठी हमका लाओ। ये कह तुमका यह हनीमून की जगह मालूम दे था कर? ये थाना है, थाना तुम्हारा साहब का घर नहीं, समझे? साहब सुनो। हाँ? हम बहुत खतरनाक आदमी हैं। खतरनाक? सुनो एक बार बता दे, एक बार बता दे। हाँ? हम हमार बैठक गंगा भैया कैसीट वाले से है। हाँ, हमका जाना था, बता दे। जाना तो नहीं है फिर तुम हमारे नीचे बार आओ। नीचे बार आओ? हाँ। तुम्हारे अब क्या करबे? हाँ क्या करियो? लौंडी एक ललकार देबे। हाँ। तुमका ले पकड़। हाँ। और हम लिए रहे कैमरा। हाँ। और लेबे फोटो खींच। हाँ। और दिखा देबे अखबार में न रहियो, पुलिस में न रहियो, पुलिस में तो पेपर में यहाँ निकल जाए। हाँ हाँ ऐसा करो तुम निकलो यहाँ जल्दी। करे इनका पकड़ो, इनका पकड़ो, इनका पकड़ो। अब हम फोटो ले थे नहीं आओ आओ नहीं आओ पकड़ो फोटो ले। अरे तुम यहाँ ले जाओ उधर, हम जा रहे हैं। आई आई पुलिस गए, थाना खाली। अब ये क्या करिए? अब गए, अब हम तुम कहीं जाए मोहब्बत और प्यार उमकी उमका क्या करना है? क्या करना? अरे तोरी झुलनी के नीचे गोरी अपन जीवन बिताए देव हो। अरे साहब मर गए साहब, खाना से प्यार मोहब्बत। अरे साहब, अरे साहब थाना कहीं है बिल्कुल तवायफों का मोहल्ला बना है। चले साहब चौकीदार उधर बांधो का। और साले थाने में प्यार मोहब्बत करा था तू? अरे साहब हमारे मेहरबान साथे यूं ना होई का? यूं ना होई वही ना होई या मेहनत करी होई जी? अरे दादा, अरे गंगा भैया, ये क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरी जान। सांप का पकड़े हो? हरे रोगी, हरे रोगी, हम तो लुट गए तेरे प्यार में।
जाने तुझको, जाने तुझको सेहत होगी रोगी। ये क्या बदतमीजी है हवलदार? हाँ साहब। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। ये थाना ये कोई खाराजी का घर है सर। और सबसे बड़े हरामी तो तुम हो, डंडा लाओ। साहब अब तुमको छठी का दूध याद दिला दूंगा। हुआ क्या है साहब? पकड़ो इसको। साहब हमारी बीवी है साहब। आपकी बीवी? हमारी धर्म पत्नी है साहब। हम प्यार मोहब्बत करत रहे, अतने में हवलदार आएगी। हवलदार ने कहा कि थाना गंदा कर रहे हो, प्यार और मोहब्बत हमकी और हमका हमारे थाने में। वह हमका साहब बांध इधर बांधे। ओ माय गॉड, ये तुमको इस थाने में बांधा किसने है? यही है। और हवलदार ये क्या है? ये क्या है? ये अभी तुम्हारी मैं खबर लेता हूँ। साहेब याद जांग कब है? अरे ये सब उल्टा कर दिया है, एक ही पैर में उसको खोसा है। याकन दोनों डाल दें। ये है सने तो कसी हुई गए सास। हाँ दोनों पैर अब ढील भाई। हाँ तो फिर तुम्हारे साथ आगे क्या हुआ? सर बांध दिया। और बांधने के बाद हमारी बीवी के साथ कहा कि तुम जो अपनी बीवी के साथ कर रहे हो मैं रड़ुआ आदमी हूँ। इसने कहा? हाँ सर। और हमारी खोपड़ी चटक रही है, जो तुमने किया है वो संग तुम्हारे बीवी के संग मैं करूंगा। बस सर हमारी बीवी के साथ मोहब्बत और आई लव यू हमारे दिल से पूछो दादा कहा होता है। शांत रहो शांत रहो। कोई पत्नी के साथ कोई करे तो पति के दिल में कहा होता है? ये पुलिस आए। ऐसी घटिया हरकत तुमने की है इस थाने में, पुलिस नाम बदनाम कर दिया है तुमने पुलिस वालों का। साहब हम ऐसे नहीं कहे, ये बिटेवा कही है यू सर भगा लेके आवा। वो कुछ भी करे, वो उसको चाहती है, उससे प्रेम करती है, तो प्रेम में सब जाया जाए। तुमने उसके साथ जबरदस्ती की थी। साहब जबरदस्ती नहीं कहे, हम कहे कोर्ट मैरिज जब तक ना हो तब तक ये बिटेवा। चौकीदार ये हथकड़ी खोली जाए। अब तुम अपनी बीवी को लेकर के जाओ। जी हवलदार, तुम अगर हमका मिल गए हो गांव किनारे तो तुमका मुंजम बैठ के हाथ गोला मारब। निकल ले। और हवलदार ये जो तुम्हारे पूरे शरीर में ये मजा आएगा साहब। अच्छा ये सब पसीना है तुम्हारे शरीर से निकला है, काफी मेहनत की है तुमने। तो वो जिस काम के लिए तुमको मैंने टेढ़ी पुलिया भेजा था डाकू जागीरा को गिरफ्तार करने के लिए, उसकी निगरानी करने के लिए, वो तो काम तुमने किया ही नहीं। नहीं आप करब साहब। कांस्टेबल जी सर, आप दोनों को जाना है रात्रि गश्त पे। बहुत अच्छी ठीक है। मैं चलता हूँ। ओके सर। जाओ साहब, अब अभी टेवा तो आग लगाए देश है, अभी साहेब को ऊपर आग बुझी। हवलदार जी क्या सोच रहे हो? अरे सोच यू रहन कि चलो भाई थाने चलो, वहाँ ड्यूटी का है किया जाए। सेट पे लगी है। ये बताइए क्या सोच रहे हैं आप? अरे साहेब कहीं नहीं चलो, वहाँ मुंशी पुलिया पर यहाँ ड्यूटी किया जाए भाई। बहुत अच्छी बात है। चौकीदार आप गेट पे जाइए। चलो हुआ डार दिया, अब तुम पहुड़ी रहे हो। क्या चीज चरपैया। बहुत अच्छा का हम करा कर अब ड्यूटी। ठीक है आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। चलिए चलो।